लेटेस्ट न्यूज़। चलो गांव की ओ एबीपीएस न्यूज़ का खास कार्यक्रम। आज हमारी टीम पहुंची ग्राम सलेमपुर, विकासखंड मुड़ा पांडे, जिला मुरादाबाद। वहाँ हमारे खास रिपोर्टर अनीस और यासिन से मुलाकात हुई ग्राम प्रधान कुलदीप किशोर यादव की। कुलदीप किशोर जी ने बताया कि उन्होंने इस ग्राम पंचायत के 5 साल के समय काल में गांव के लिए क्या क्या प्रोग्रेस, क्या क्या उन्नति की। उन्होंने बताया कि गांव के लिए क्या वो कर सकते थे और क्या वो कर चुके हैं। तो ये एक खास उन्नति कार्यक्रम है आपके लिए। देखिए और सुनिए एबीपीएस न्यूज की ओर से चलो गांव की ओर। कुलदीप जी आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किस किस तरह से इस गांव के लिए खड़ंजे बनवाए, इस गांव के लिए आरसीसी की सड़कें डलवाईं और इस गांव के लिए स्कूल से संबंधित कार्य किए और अपनी ग्राम पंचायत के लिए उन्होंने और भी बहुत सारे कार्य करके गांव के मान सम्मान को बढ़ाया। और उनका इरादा है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो अवश्य सलेमपुर गांव को विकासखंड मुड़ा पांडे की हिट लिस्ट में ले जाएंगे, जहां उनका नंबर चमकते गांवों की लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। तो चलिए साथियों सुनिए उनकी जुबानी, उनकी कहानी हमारे खास कार्यक्रम में चलो गांव की ओर। ग्राम प्रधान कुलदीप किशोर यादव, ग्राम पंचायत सलेमपुर, विकासखंड मुंडा मांडे, मुरादाबाद। संगठन से ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ। मेरी मांगे ये हैं सरकार से कि जो हमारे कोरोना के संबंध में 4-5 महीने खराब हुए हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कोई विकास काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसमें। और उसके अतिरिक्त ये है कि जो हमारी जो किस कार्ड के क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत के लिए दी गई है वो गलत दी गई है, उसमें कटौती की गई है, जो मतलब एक गलत है। उसकी हम मांग करते हैं वो किस समय दी जाए। और बाकी जो अब ये शायद सुनने में आया कि 25 दिसंबर में हमारा कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ईटू पंचायत को रखा जाएगा, वो गलत है, हम उसके खिलाफ हैं। उसके खिलाफ हमें धंधा देना पड़े, ये कार्यकाल प्रधानों को ही दिया जाएगा। बड़ा क्या 15 और 15वें वित्त की जो किस्त हमारी काटी गई है वो अगले समय में हमें प्राप्त करा दिया जाए, जिससे हम विकास काम गाँवों में कराएं। 14वें वित्त की हाँ, और 14वें वित्त की भी मतलब जो किस्त जो हमारी जो काटी गई है और जो मानदेय काटा गया है प्रधानों से, और जो कि शिक्षक है जिसकी 60-70 हज़ार सैलरी है, उससे तो कुछ नहीं लिया गया। प्रधानों का जो 3500 रुपये मानदेय है वो काट गए सरकार ने, वो भी हमारा वापस ले लिया। ये गलत है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं